जन्ना ब्याली, क्या सेगमेंट शुरू हो गया? क्या थक गया भाई? नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया, हो गया। किधर है? हो गया, सामने देखे, सामने सामने क्यों देखे, पीछे ना देखे, सामने सामने टीवी पे तो आएगा। सामने शो आ रहा है वो सिम्बा। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा जरा माइक तो दे जरा मुझे। हैं जी, क्या कह रहे हैं? थोड़ी थोड़ी, सॉरी सॉरी सॉरी। जितने बच्चे हमें देख रहे हैं उन सारे प्यारे मीठे अच्छे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों जी, शाबाश शाबाश। कोई बात नहीं, इतना शोर क्यों मचाते हैं? क्यों? बस गलत बात है। आज आपकी टीम हार गई क्विज में। जीत गई, कहाँ से हार गई? अच्छा, सब तालियां बजाएंगे। आप बच्चे नहीं हैं। मैं नहीं पहुंच सका। सिम भाई, तो कितने रोज हो गए भाई? सिम भाई, हाँ भाई, सब तालियां बजाएंगे अभी। किस बात पे? हमारे जीतने पर। आपके जीतने पर तालियां बजाएंगे? बजा दें भाई, तालियां बजा दें इनके जीतने पे भाई, बजा दें। आपने तालियां बजाई है, ये अच्छी बात है। आप अब तो मेरे लिए सब तालियां बजाएंगे। मैं कहूंगा 3-2-1। थैंक यू, थैंक यू। तालियां तो बज गई ना, लेकिन आपके लिए तो नहीं बजी तालियां। ये क्यों यहाँ पर आ गया है ये रैबिट? अंकल रैबिट वहां जाए आप। हाँ क्या? अच्छा, जी भाई, तोते की आवाज तो निकाले। किसकी? किसकी? तोते की आवाज। तोते की? यार मैं रोजाना आवाज ही निकालता रहूं। तोते की आवाज जरा सुन। अच्छा जरा पांच जरा तोते की आवाज निकालें। मैं जरा निकालें तोते की आवाज, जरा अरेंज करें। वो चील की आवाज निकालो, चील की, उकाब की। हाँ 3-2-1 कहें तो निकालो उकाब। 3-2-1 मजा आया? फिर करूं? 3-2-1 बोले। 3-2-1 कैसी? गंदी। इतनी ओ अच्छी थी ना? हाँ अच्छी थी, फिर ठीक है। क्या है भाई? इतनी शोर जोर की थी ना, जो उकाब होता है ना ईगल, और उकाब बहुत दूर से देख लेता है, उसको बहुत दूर से नजर आ जाता है सब कुछ। तो क्या है? अरे ये कौन है? इधर इनको तो बुलाए, इधर आइए, इधर आइए। कौन है? दादाजी। दादाजी कहाँ से हो गए, क्या हो गया दादाजी? इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। ये तो बड़ा जबरदस्त ड्रेस पहना हुआ है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। थोड़ा सा ऊपर करके बोले हाँ, ताकि कैमरे पे भी नजर आए ना। क्या नाम है आपका? महावीर। माय नेम इज महावीर। है दोबारा बताएं? माय नेम इज महावीर। अच्छा ठीक है, महावीर। महावीर आप कौन सी क्लास से पढ़ते हो? केजी। वाह, और आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? इजहान। इजहान, महावीर अच्छे ड्रेस पहना हुआ है ना, बहुत जबरदस्त। तालियां बजाएं भाई महावीर के लिए। वाह वाह, पाकिस्तान के जितने भी ड्रेसेस हैं ना, चाहे वो सिंधी ड्रेस हो, पंजाब के लोगों का हो, बलूचिस्तान का, सब ड्रेसेस बहुत प्यारे हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही बहुत प्यारा है और हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें इस पे फख्र है। तो पाकिस्तान के जितने भी लोग देख रहे हैं सबके लिए बहुत सारी सैल्यूट भी करेगा। सैल्यूट सैल्यूट, जितने भी मुल्क में पाकिस्तानी देख रहे हैं, बहन भाई जो हमें देख रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से ये सैल्यूट। वाह 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 वाह, उमर साहब का खुसूसी सलूट दिखा दें भाई। सलूट, हाँ कैसे सलूट होगा उमर साहब? सलूट 3-2-1 सलूट। ये ओके, पाकिस्तान की बात हो रही है तो जरा दिल दिल पाकिस्तान ना गा लें। क्या क्या याद है ना? दिल दिल पाकिस्तान याद है? चलो भाई शुरू करते हैं। अरे मुझे दिल दिल पाकिस्तान सुनाना है, पहले दिल दिल पाकिस्तान प्लीज। ठीक है शुरू करें। 3-2-1 ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहां, बढ़ती रहे ये रोशनी और चलता रहे ये कारवां। दिल
पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान के लिए एक नारा लगाएंगे, मैं नारा लगाऊंगा जोरदार और आप सब जवाब देंगे और वो नारा है पाकिस्तान। क्या बात है, सारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी तालियां बजा दे भाई जवाब। हाँ जी कैसे माइक में बोले कैसे मैं ऐसा हूँ ऐसा ऐसा हूँ वो चीज मुझे नहीं पता क्या मैं ईद को ना बताऊ कहाँ जा रही हूँ कहाँ वो गई उड़ के मैं कहाँ जा रही हो कौन सी कंट्री में नहीं बताओगे प्लीज प्लीज बता दो सरप्राइज है सरप्राइज सरप्राइज कोई नहीं बताता सरप्राइज नहीं बता रही भाई चलो अभी कल पूछ लूंगा आपसे कल पूछ लूंगा कहाँ है यार एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया भाइयों सारे दोस्तों एक प्रॉब्लम हो गई है वो प्रॉब्लम ये एक तोता है प्रॉब्लम तो सुनो मेरी एक अरे इसको देखो भाई हम बात कर लें आपस में प्लीज आप अपनी बात बाद में कर लीजिएगा थैंक यू जाइए जाइए प्लीज हम बात कर रहे हैं चले क्या चले देखा देखा कैसे मेरी बात देखा थोड़ा सा और आगे चले जाए प्लीज़ हम बात कर रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ थैंक यू आपने हमारी बात मानी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत शुक्रिया। एक मुझे ना परिंदों ने बड़ा तंग किया हुआ है ये मोर है मैं जब बात कर रहा होता हूँ ये सामने आके ऊँचा ऊँचा बोलना शुरू कर देते हैं अब एक है तोता अब पता क्या हुआ मैं यहाँ खड़ा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ किस्सा ये आ गया तोता पैर पे मारने लगा मुझे टंग 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 अब जो लोग किस्सा देख रहे हैं ना टीवी पे वो ऐसे किस्सा देख रहे हैं कि वसीम भाई किस्सा पढ़ रहे हैं अब वो लोग देख रहे हैं कि वसीम भाई कभी यूँ हो रहे हैं कभी यूँ हो रहे हैं कभी यूँ हो रहे हैं कभी वो सब हैरान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया है वसीम भाई ऐसे ऐसे क्यों हो रहे हैं पता है क्यों हो रहे थे पैर में तोता आ गया था वीडियो दिखाओ आप लोगों को कि क्या हुआ था आज वो वीडियो आपको दिखाते हैं कि तोता ये देखें अब ये देखें ये पढ़ रहे हैं वसीम भाई किस्सा ये आ गया तोता अब क्या करें अब पैर में तंग कर रहे हैं अब देखें और ये देखें अब एक पैर बचा रहा हूँ दूसरे पैर में आ रहा है दूसरा पैर बचा रहा हूँ कुछ और आ रहा है ये देखें अब दूर भाग रहा हूँ फिर भी पीछे आ रहा है किस्सा ही नहीं पढ़ने देना मुझे अब मुझे डर भी लग रहा है और मैं किस्सा भी सुना रहा हूँ अरे भाई फिर अभी भी नहीं जा रहे उसके बाद जो है ना करीम अंकल ने देख लिया तोता उन्होंने वीडियो सेंड की उबैद खान साहब को वो तो पता नहीं क्या वो तो खैर छोड़े फिर ये हुआ कि उसके बाद बंटी अंकल आए और वो तोता उठा के लेके गए तो फिर जो है वो मैंने किस्सा पढ़ा तो बंटी अंकल के लिए तालियां बजा दें इस बात पर भाई। हाँ और उबैद अंकल के लिए भी तालियां बजा दें एक दफा ये किस बात पे है ये नहीं बता सकता अभी मैं ये बात बताऊंगा क्या अभी बंटी भाई का असल नाम क्या है भाई सोच के बता दो बचा पता नहीं अभी मालूम कर रहे हैं उसके बाद बताएंगे तो ये हुआ अब कल जो है ना मैं एक वीडियो देख रहा था आपकी पुरानी कि जब मैंने आपसे पूछा था जरा डॉक्टर साहब की पुरानी वीडियो दिखाएं आपको फिर आपकी भी पुरानी वीडियो दिखाऊंगा मैं जब आप भाग भाग के आए थे ना अच्छा दिखाए ना वो पुरानी नहीं अब ये करूंगा कल जो है ना आपकी उम्र की सबकी पुरानी वीडियोस निकाल के लाऊंगा एक साथ चलाएंगे सारी वीडियो भाई आपने इतना अच्छा ही पहना हुआ तो हमें कुछ सुना एक साथ चलाएंगे एक साथ कुछ सुनाओगे आप हमें क्या सुनाओगे स्टोरी 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 का उन्वान क्या है टॉपिक क्या है मैं चश्मा निकाल लूँ हाँ टूट ना जाए भाई ये आप पहनना है चश्मा जरा मैं आपको चश्मे से पहनाऊँ बहुत आप तोड़ ना दूँ मैं यार आप ही पहन लो भाई वाह 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 ओए होए हो तालियां बजा दें भाई स्टोरी का टॉपिक क्या है स्टोरी किस बारे में कव्वे के माइक के साथ था नीचे क्यों आ रहे हो कव्वा कव्वा कव्वे की स्टोरी सुनाए भाई एक कव्वा था हाँ वो बहुत प्यासा था हाय 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 उसको हाँ उसने हर जगह पानी देखा अच्छा नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला फिर उस फिर उसको एक छोटे से जग में थोड़ा सा पानी मिला मिल गया शुक्र है वो फिर भी पी नहीं पाया फिर भी नहीं पिया पानी फिर क्या किया फिर उसने सोचा मैं इस पानी को
कैसे ऊपर लाऊं। अच्छा अच्छा, तो उसने छोटे छोटे पत्थर डाले और पानी ऊपर आ गया, तो उसने पानी पी लिया। वेरी गुड, जबरदस्त। एक मिनट, स्टोरी खत्म नहीं हुई। ओह सॉरी। और उसने बोला कि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करते हैं और हमें मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी होना है। वाह 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 वाह। बस खत्म हो गया। खत्म। वे तालियां बजा दे। वेरी नाइस। ये माइक नीचे नहीं, अरे एक तो माइक नीचे नहीं रख सकते इस प्रोग्राम में। ये इन्होंने कौन सी, अरे ये कौन सी स्टोरी सुनाई है बताएं आपको? ये वो स्टोरी सुनाई है जिसकी पोएम आप मुझे सुना चुके हैं। कौन सी? एक कौवा प्यासा था। जग में थोड़ा? जग में थोड़ा प्यास। जग में थोड़ा प्यासा था? हाँ। जग में थोड़ा पानी था। कौवे ने डाला? कंकर। पानी आया? ऊपर। कौवे ने पिया? कौवे ने पिया पानी। खत्म हुई कहानी। आप पढ़े? अरे मुझे तो याद है। आप पढ़े ना वो वीडियो चलाए? क्या वीडियो चलाए? वीडियो आज नहीं चलाऊंगा, कल चलाऊंगा, कल कल कल। अच्छा वो सिंबा, आज आपकी वीडियो नहीं है ना मेरे पास, मैं चाहूं सब तो बस दिखा दे। ना 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 ना, बहुत सारी वीडियो जमा करके ना। अब आप अपनी पोएम तैयार कर लें, आपसे मैंने पोएम सुननी है। ठीक, क्या पोएम है आज? मानो बिल्ली काली थी। मानो बिल्ली, अरे अच्छा अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहले जरा इनसे तो बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये दोनों भाई हैं। आपका क्या नाम है? हसन मुश्तबा। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद जून। तो क्या सुनाएंगे भाई, क्या सुनाएंगे मुझे? मैं दुआ के बाद में एक बात बताना चाहूँगा। वो क्या? वो क्या? आप माइक पकड़े जरा, मैं अपने क्यू कार्ड ले आऊँ। हाँ भाई, क्या? हमें ना हर नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए, इसलिए कुछ बच्चे दुआ नहीं मांगते। हाँ। उसकी वजह से उनकी दुआ कबूल नहीं होती है। और मैं तो हमेशा दुआ मांगता हूँ ताकि मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। वेरी गुड भाई, जबरदस्त। अल्लाह ताला से दुआ तो मांगनी चाहिए, है ना। और आपको ये पता, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है, जब हम मैंने कहा था ना कि हम सलाम करेंगे सबको, अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, तो सलाम की और क्या इम्पॉर्टेंस है, अहमियत है, सलाम करने का क्या सवाब होता है, बता सकते हैं मुझे? बताएं बताएं बताएं। हम जब भी घर में दाखिल हो तो हमें सलाम करना चाहिए। अगर सलाम करने वाले को 69 नेकियां मिलेगी और वालेकुम अस्सलाम बोलने वाले को 1 नेकी मिलेगी। यस, ये आपको पता है ना, हमने कहा था ना कि जब हम कहीं जाएं तो हमको खुद पहले सलाम करना चाहिए या हमको वेट करना चाहिए कि कोई और सलाम करेगा तो जवाब दे देंगे? तो नहीं, आप सबने मुझे खुद सलाम करना चाहिए, क्योंकि जब खुद सलाम करते हैं तो हमको ज्यादा सवाब मिलता है, है ना। हरीम साहिबा, उमर की पोएम सुने? पोएम ठीक है, सुने? ठीक है, सुनाओ भाई, आ जाओ मैदान में आ जाओ। आपको बैठना है तो बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, मेरी जगह पे बैठ जाओ। हाँ भाई, क्या है? डॉक्टर साहब मैदान में आ जाए जरा, इट्स परफॉर्मेंस टाइम नाउ। हाँ भाई इधर आए। मानो बिल्ली काली थी, लंबे लंबे बालों वाली थी, आंखें उसकी नीली थी, कुछ 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 पीली थी, चूहों से शर्माती थी, दूध में रोटी खाती थी, जब मैं उसको पास बुलाऊं करती थी म्याओ म्याओ। वाह 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 वाह। बिल्ली कैसे आवाज निकालती है? म्याओ। और जो दो बिल्लियां होती हैं वो कैसे आवाज निकालती हैं? म्याओ म्याओ। और जो तीन बिल्लियां होती हैं वो कैसे निकालती हैं? म्याओ म्याओ म्याओ। ओह अच्छा, वाह 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 वाह, छा गया भाई, कमाल है, बहुत तरक्की करेगा भाई बच्चा। जी भाई सुनाओ। क्या सुनो? हरीम तुम सुन, सुना है नहीं हरीम? हरीम क्या हाल है? आपको मजा आ रहा है कराची में कि नहीं आ रहा? हाँ जी आ रहा है। क्या आपको इस्लामाबाद में ही मजा आता है, ये बताएं? मुझे यही आता है। आ रहा है मजा? हाँ जी। शान रमजान में मजा आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी, तो क्या आप मेरे लिए कभी कोई इफ्तार इफ्तार लाए यार? मैं तो यहाँ पे आता हूँ, इफ्तार ही नहीं करता। ये देखिए, ये चाय पिलाते हैं मुझे रोजाना, कल आ गए थे मेरे कमरे में चाय पिलाने के लिए, है ना। कल मैं कमरे में बैठा हूँ
मोहसिन अंकल के साथ, डॉक्टर साहब के साथ हम तैयारी कर रहे हैं। टाइम है नहीं, पहले तो आपके बराबर वाले कमरे में थोड़ी दूर जो है जा, हाँ जो 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 टीम का कमरा है, डॉक्टर साहब का जो कमरा है, मैं उसमें बैठा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ। ये आ गए, वो मानो बिल्ली प्यारी थी। मैंने कहा भाई ये पोएम सुनाने का टाइम नहीं है, अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, आप बाद में सुना दो। नहीं नहीं नहीं, मानो बिल्ली प्यारी। अरे मैं कहा भाई काली थी, प्यारी का, चलो थी। जो भी थी, काला हो सफ़ेद हो, सब रंग अल्लाह ताला के, ये सारे रंग प्यारे होते हैं, लेकिन वो पोएम सुनाने पे तुल गए, काम ही नहीं करने दिया। अब मैं काम कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही, मानो बिल्ली ओ, एक दफा सब इनके लिए ओफ कर दे भाई, दफा नहीं करें, बहुत तंग करते हैं। आप क्या सुनाएंगे? मैं पोएम। कौन सी? एक है चीतर एक पटेल, लड़ने थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक ही चूंच एक की दुम। वाह 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 वाह। आज हमने ना एक और लेसन भी लर्न करना है। वो लेसन क्या लर्न करना है, हमने थोड़ी सी बात इस पे कल की भी थी ना, वो टू लेसन आज लर्न करना है, छोटे छोटे से। एक तो ये कि अगर हमारा कोई भी फ्रेंड है या कोई भी ऐसा है जिसको हम जानते हैं, उसको अगर, ये मैंने लेसन कल बताया था, खाली आज आपको याद करा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर हमें, अगर हमने देखा कि किसी की आईज में प्रॉब्लम है या आईज नहीं है किसी के, क्या कहते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे? स्पेशल पीपल, है ना? और स्पेशल पीपल, और उनके साथ हम बहुत प्यार से पेश आएंगे। और हम कभी कोई जोक कर रहे हो या बात कर रहे हो तो हम कोई जोक्स नहीं करेंगे ऐसे लोगों के बारे में, है ना? क्योंकि तो बहुत स्पेशल लोग होते हैं ना, खास लोग होते हैं। जितने भी स्पेशल लोग हैं सब लोगों के लिए तालियां बजा दें एक दफा भाई। तो एक बात तो हो गई ये, दूसरी बात पहले ईशा बाजी बता दें, वरना ईशा बाजी ने हमें कुछ करने नहीं देना। जी ईशा बाजी, सुनाओ क्या सुनाएंगी? इस्लाम के पांच अरकान है। वो क्या? कलमा। अच्छा, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। ओके राइट भाई, नमाज कौन कौन बच्चा पढ़ता है ये बताएं। 1 2 3 नमाज में। कल रोजा कंप्लीट किया था कि नहीं किया था? पहले खा लिया था या बाद में खाया था? कल रोजा कंप्लीट किया था? किया था। पक्की बात? पक्की बात। पूरा रोजा रखा? हाँ। सारा दिन कुछ भी नहीं खाया? नहीं। सुबह से लेके मगरिब तक कुछ भी नहीं खाया? नहीं। कुछ पिया भी नहीं? नहीं। अरे क्या बात है भाई, इस बात पे तो नसीम भाई, इस बात पे हम आपको खिराजे तहसीन पेश करने के लिए, अरे नहीं नहीं यहाँ पे तो खड़े, यहाँ खड़े होके तालियां बजा दें उमर साहब के लिए। वेरी गुड यार, ऐसा लग रहा है आपको पनिशमेंट में खड़ा कर दिया हमने। नहीं पनिशमेंट में इस, ये आपको खुसूसी एजाज से नवाजा है। अब जम मारेंगे? मारे मारे जम मारे यार। वन, अच्छा चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा तो नमाज कौन कौन बच्चा पढ़ता है भाई बताएं? हाँ नमाज तो सबको पढ़नी चाहिए, है ना? नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि नमाज पढ़ना कितना ज़रूरी है, ये मैं आपको बताता हूँ भाई। एक सवाल है, ये बताएं हम सब लोग जो है जन्नत में जाना चाहते हैं या जहन्नुम में जाना चाहते हैं, ये बताएं? जन्नत। जन्नत में जाना चाहते हैं, ये ठीक है ना? कहाँ जाना चाहते हैं? जन्नत। ठीक है, अब ये बताएं अगर हमको किसी जगह पे जाना है तो क्या हम दरवाजा खोले बगैर या चाबी के बगैर उस जगह पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते? चाबी दरवाजा बंद करके जाते हैं, है ना? अगर दरवाजा बंद है, चाबी नहीं है, तो फिर तो हम नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग शाहजहां रमजान में आए, ठीक है, वो सामने गेट है ना। अब फर्ज करें कि ये गेट जो है वो सिकंदर अंकल ने कर दिया बंद और लगा दिया ताला, लॉक कर दिया। अब उसकी चाबी नहीं है किसी के पास, अब अगर चाबी नहीं मिलेगी तो आप लोग अंदर आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे? इसलिए कि चाबी के बगैर तो नहीं आ सकते। अब आपको एक बात बताता हूँ, नमाज पता है क्या है? नमाज जन्नत की चाबी है, कुंजी है जन्नत की। यानी कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा फिर तो वो जन्नत में नहीं। जिस तरह अगर किसी के पास चाबी नहीं है तो वो शान रमजान का गेट अगर लॉक है और चाबी नहीं है तो वो शान रमजान में नहीं आ सकते। तो जन्नत की चाबी किस चीज को कहते हैं? नमाज को। नमाज जन्नत की चाबी है, इसलिए नमाज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई बच्चे किसी वजह से अब तक नमाज नहीं भी पढ़ रहे ना,
तो आज प्रॉमिस कर लें अपने आप से कि हमने नमाज पढ़नी है ताकि हम सब जन्नत में जा सके, है ना। कितना मजा आएगा। अभी आप देखिए, ये हमने छोटा सा एक गार्डन बनाया है, वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन जन्नत तो इसके मुकाबले में बहुत बड़ी होगी ना। ये जन्नत के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये छोटा सा गार्डन है, इसमें परिंदे हैं, तो हमें कितना मजा आता है ना। तो अगर सब जन्नत में होंगे तो वहाँ कितना मजा आएगा, है ना। इसलिए सब नमाज पढ़ें। हम कोई चीज सोचेंगे वो सच्ची में आ जाएगी, वो फौरन सोचेंगे वो चीज मिल जाएगी, जो भी चीज चाहेंगे मिल जाएगी। इसलिए सब नमाज पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। प्रॉमिस हो गया? हो गया भाई। सारे बच्चों के लिए तालियां बजा दें। वेरी गुड, जबरदस्त। डॉक्टर साहब, अब आप बताएंगे कुछ आपका सुनाने बनाने का इरादा है या क्या है? जी वसीम, वो क्या स्टोरी है? कौन सी स्टोरी है? चालाक चिड़िया। चालाक चिड़िया, ओके सुनाए भाई, सुनाए स्टोरी, सुने चालाक चिड़िया। हाँ भाई। एक चिड़िया कुछ खा रही थी कि वो कीचड़ में फंस गई। अच्छा। इतने में एक डॉग जा रहा था, चिड़िया ने डॉग से हेल्प मांगी कि मुझे यहाँ कीचड़ से निकालो। ओके। डॉग ने बोला, मैं तो यहाँ से आपको निकाल तो लूंगा, लेकिन फिर आपको खा जाऊंगा। चिड़िया ने बोला, हाँ हाँ खा लेना, पहले मुझे यहाँ से तो निकालो। अच्छा, फिर? फिर डॉग ने चिड़िया को कीचड़ से निकाला, और जब डॉग ने चिड़िया को खाने के लिए अपना मुंह खोला तो चिड़िया ने बोला, पहले मुझे साफ तो कर लो, फिर खा लेना। ओके। फिर डॉग चिड़िया को नल के पास ले गया और साफ कर लिया। ठीक है। और जब दोबारा डॉग चिड़िया को खाने के लिए मुंह खोल रहा था तो चिड़िया ने बोला, मेरे पर तो पहले सूखा ले, फिर खा लेना। ओके, ओके। फिर डॉग चिड़िया को धूप के पास ले गया, और जब चिड़िया के पर साफ हो गए, हाँ। मतलब सूख गए, सही है। तो चिड़िया उड़ गए, कुत्ता मुंह देख, डॉग मुंह देखता रह गया। ओ, 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 ओ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। ओके, तालियां बजा दे भाई डॉक्टर साहब के लिए। अभी चिड़िया की फोटो आएगी, देखें। फोटो आएगी चिड़िया की? 3 हाँ, 2 अच्छा, 1 दिखाओ भाई चिड़िया की फोटो। नहीं आई, सिर्फ आप बोले, आप बोले। सिर्फ मेरे कहने पे आती है भाई, बाकी नहीं आती। अभी फिलहाल बकरियां हैं, बकरियों से काम चला है भाई। हाँ। और ये हैं, अरे ये चिड़िया की आवाज़ कौन निकाल रहा है? ये निकाल रहा है। हाँ, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि मैं तो रमज़ान में यहाँ पर होता हूँ, आप लोग जो है वो इफ्तारी के बाद कहीं जाते हैं क्या? क्या करते हैं आप लोग? भी यही होते हैं तो? और आप कहीं जाती हो कहाँ रमज़ान में? शान रमज़ान के अलावा कहीं जाती हो आप? नहीं। घर पर ही होती हो? हाँ। ओके, आप कहीं जा रही हैं? है भाई, सारे बच्चे घरों पे ही हैं अच्छे बच्चों की तरह? ओके, ठीक है। एक चीज़ हमें आज एक और क्या सीखनी है, अगर हम किसी भी जगह पर जाएं, ठीक है, या अगर हम किसी भी अंकल से मिलें, ठीक है, अब अगर वो अंकल जो है, कोई भी अंकल, ठीक है, चाहे वो वसीम भाई क्यों ना हो, वसीम अंकल, ठीक है, अगर वो कोई अंकल जो है ना आपको ऐसा लगे कि वो आपको ज़्यादा टच कर रहे हैं, फालतू में बार बार, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपने फौरन अपने अब्बू को या चाचू को या अम्मी को बताना है, ठीक है ना। आप लोगों को ये कहना है कि ये मुझे ज़्यादा टच कर रहा है ना। वसीम भाई, हमारे स्कूल में ये बताते हैं कि हाँ, डेंजर इज अ रेंजर। ओके ओके, ठीक है ना। तो अगर आपको लगे कि कोई अंकल आपको ज्यादा टच कर रहे हैं, ज्यादा, या आपको कह रहे हैं कि आप ये चीज ले लो मुझसे, टॉफी ले लो, और ये तो आपने, हाँ नहीं डरते खरगोश से, तो आपने फौरन किसको बताना है? अपने अम्मी अब्बू को। वेरी गुड। अगर वो बोले ना, हाँ, कि आप मेरे साथ चलो, तो आपने, मैं अब्बू का दोस्त हूँ, हाँ, फिर हमने बोलना है आप मेरे अब्बू को बुलाओ। यस, सही है, सबने यही करना है। कोई आपसे कहे मैं आपके अब्बू को जानता हूँ, मैं आपकी अम्मी को जानता हूँ, आप मेरे साथ चले हो, आपने कहना है नो, जब मेरे अब्बू मुझसे कहेंगे तभी मैं जाऊँगा, ठीक है ना। तालियां तो बजा दो यार, वाह 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 वाह, आपके लिए, आपके लिए कुछ कह रही हैं। बस अब हाथ धोने का, आप हाथ धोएंगी डेटॉल से? ओके, आए डॉक्टर साहब, जरा लेकर जाएं बाजी को, जाइए जाइए जाइए। हाँ जी, हाँ जी, मेरी नैना जी
और मेरी खाला और मेरे खालू मैं अल्लाह ताला के घर गए, उनको हाई कर दो, फिर वो आपके लिए भी दुआ करें। अरे नैना जी, खाला जी और खालू, आप अल्लाह ताला के घर गए, प्लीज आप मेरे लिए दुआ करना, मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया, चलो जबरदस्त। जाए बजे हाथ धोएं डेटॉल से, इस गर्मी को करें दूर डेटॉल कूल के साथ। हर पल फ्रेशनेस का सलूशन है डेटॉल कूल, और डेटॉल से हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों भाई जो है, आप में बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई आप? ज्यादा मस्ती कौन करता है ये बताओ जरा। कोई मस्ती मैं करता हूँ। तंग करते हैं आपको? हाँ। लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं कम होती है बताओ? बहुत ज्यादा तो नहीं होती, थोड़ी थोड़ी सी होती है। किस बात पे हो जाती है, आखिरी किस बात पे होगी? सोचे सोचे सोचे, बताए बताए बताए। ये मेरी चीजों को बिना पूछे टच करते हैं। ये तो मेरा, ये जब भी जॉन भाई घर में नहीं होते या फिर कहीं गए हुए होते या फिर सो रहे होते हैं ना, तब मैं इनके कवर्ड में से कुछ भी ले लेता हूँ इनको बताए बगैर। ये तो गलत बात है ना। अच्छा, अगर आपको पहले से बता दें तो फिर आप इनको टच करने दोगे चीज़ें? हाँ, अगर मैं इनको पहले से बता दूँ कि आप जब मैं जाऊँ आपको ये निकालनी है या फिर आप इसे जो करना। अब आप एक काम करें, यहाँ से अब आपने इनकी कोई चीज़ देनी है, आप इनको पहले से इनसे इजाज़त ले लें। पक्की बात हो गया, ठीक है? भाई से हाथ मिला लें अच्छे से, वेरी गुड, जबरदस्त। भाई सेल्फी का टाइम हो गया, मेरा मोबाइल कहाँ है, कहाँ चला गया मेरा मोबाइल? ओके, आज हमने देखा फिश को दाना भी नहीं दिया, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम बनाते हैं सेल्फी। सारे बच्चे आ जाएं यहाँ पे मेरे पीछे, आ जाएं यहाँ, आ जाएं यहाँ, आ जाएं यहाँ, आ जाएं। ये सेल्फी हम रोज खींच रहे हैं लेकिन पोस्ट नहीं कर रहे। लोग पूछ रहे हैं कि क्यों पोस्ट नहीं कर रहे, हमें खुद नहीं पता, हम भूल जाते हैं। चले भाई, सो यहाँ आए सारे बच्चे, से मिलते हैं, क्या बोलते थे, एक छोटे से मिलते हैं क्या? नहीं वसीम भाई, मैं बताता हूँ, मैं मिलते ब्रेक नहीं, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक ब्रेक से मिलते हैं क्या बोलते हैं भाई? मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक।